वही बेमित्रा, जिले में शराब की अवैध बिक्री बढ़ने से माहौल खराब हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार शिकायत के बावजूद आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इससे शराब की अवैध बिक्री से रोजाना विवाद हो रहे हैं। आबकारी विभाग के अधिकारी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि गली गली में जो शराब की बिक्री हो रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़े मुद्दा जो है शराब को लेकर हम लोग आज ज्ञापन देने पहुंचे हुए हैं। यहाँ के जो है शराब की तस्करी हो रही है, इसमें किसी भी प्रकार का रोकने और सरेआम बेचा जा रहा है, इसको रोकने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। अगर कहीं हफ्ते या 15 दिन के अंदर में शराब बिक्री बंद नहीं होती तो हम पत्रकार वार्ता करके हम एक व्हाट्सएप और नंबर जारी करेंगे जिसमें वीडियो क्लिपिंग और फोटो को मंगवाया जाएगा। उसके माध्यम से फिर इन आबकारी विभाग अधिकारियों का उच्च स्तर में शिकायत किया जाएगा। आज कुछ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ उपस्थित होकर ज्ञापन सौंपा गया है। वह शराब बिक्री की शिकायत इनके द्वारा की जा रही है, प्रशासन उसे करेगी, आबकारी विभाग के फिर बनाया जाएगा।